जज जरूरत से तुम्हारी सही उम्र क्या है? याद रखो, हल्फ उठा रखी हो तो झूठ नहीं बोल सकती। औरत 21 साल और चंद महीने, जज कितने महीने? औरत 103 महीने। बेटी, अम्मी थोड़ा आहिस्ता बोलें, बाहर आवाज़ जा रही है। अम्मी अच्छा है ना, लोगों को भी तो पता चले कि कैसी औलाद है मेरी। जिस उम्र में आजकल बच्चों के दिल की घंटियां बज रही हैं, हम उस उम्र में मल्ले के दरवाजों की घंटियां बजाकर भागते थे। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शोहर के खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को डराने का सोचे भी ना सके। एक हाथी ने चूंटी को छेड़ा। चूंटी ने जाकर हाथी को शिकायत लगाई, अरे बहन अपने शोर को समझाओ वरना मर्द हमारे घर में भी हैं। अपनी जोजा के तारफ में कहा एक शख्स ने दिल से इनका मुतरफ हूँ, जुबानी ही नहीं चाय भी अच्छी बनाती है मेरी बेगम, मगर मुंह बनाने में तो इनका कुछ सानी ही नहीं। लड़की, जानो कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? लड़का, मेरी जान को क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा, मगर रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। बीवी, फोन कॉल करते हुए, सुनिए जी कहाँ हैं आप? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है और टांग भी टूट गई है। बीवी, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। लड़की, आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया बस। सेली, क्यों किसी और लड़के के साथ देखा क्या? लड़की, नहीं उसने मुझे देख लिया एक लड़के के साथ, जबकि मुझे कहकर गया था कि 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, फिर भी धोखेबाज कहीं का। पूछा गया मर्द को मोहब्बत कौन सी औरत से होती है, जवाब मिला जो इसके सामने होती है। औरतों को खुश करना बहुत मुश्किल काम है, मर्दों का क्या है, वो तो औरत को देखते ही खुश हो जाते हैं। बीवी, आप बहुत बोले हैं, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शोहर, हाँ पता है, शुरुआत तुम्हारे अब्बा ने ही की थी। कल मैंने एक नहायत ही खूबसूरत लड़की की डीपी पर कमेंट किया, चौदहवीं का चौंद हो या आफ्ताब हो, इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई आफ्ताब ही हूँ, कैसे पहचाना? शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते, भाई खुले पैसे नहीं है, कहो तो एक ऑपरेशन और कर दूं। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है किसकी याद आ रही है, नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चल रही है। पप्पू दोस्त से, औरत की जिंदगी लंबी, असीन, हंसती, मुस्कुराती और टेंशन से आजाद क्यों होती है? पप्पू, क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। सोच रही हूँ जब मौलवी निकाह के वक्त पूछेगा कबूल है, तब मैं बोलूँगी यस एक्सेप्टेड, इंग्लिश से थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि दुल्हन पढ़ी लिखी है। लॉकडाउन में मेरी रूटीन में कोई फर्क नहीं आया, बस पहले सिर्फ मैं वेली हुंदी सी ते हुण मैनू वेली कैन वाले वेले वेले ने। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि मैं बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़ चुकी होती। मैंने कहा अब तो बच्चों की शादी भी हो गई, निकल क्यों नहीं जाती? नेक वक्त कहने लगी बस पोते की शादी देख लूँ फिर सुकून से चली जाऊंगी। पुराने जमाने में लोग दूसरों की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल हिम्मत तो कोई नहीं बढ़ाता, अलबत्ता ब्लड प्रेशर हर शख्स बढ़ा लेता है।
पाकिस्तान में लोग ट्रैफिक के इशारों को समझने से कासर हैं, लेकिन आंखों के इशारे समझने में PhD कर रखी है। पाकिस्तान में 90% लोगों को उन रिश्तेदारों के बच्चों से प्यार हो जाता है जिससे उनके अम्मी अबू की पहले दिन से नहीं बनती। हार्ट अटैक उन्हें लगता है जब कोई कहता है तुम्हारी कोई बात पता चली है।